अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू वॉचिंग क्रॉस फायर। मैं हूँ मेहर बुखारी। पाकिस्तान में शोहरत हासिल करने के तीन तरीके बताए जाते हैं। तो आप क्रिकेट खेलें, या तो आप समाजी खिदमत में संग मील हासिल कर लें, या तो आप एक कॉन्ट्रोवर्शल सियासतदान बन जाएं। और अगर आप ये तीनों चीज़ें हासिल कर लें तो आपको कहते हैं इमरान खान। खान साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी शख्सियत जिसने लगाए तो 15 साल, मगर महसूस ये होता है कि रातों रात इतनी शोहरत हासिल कर ली पाकिस्तान में कि आज नौजवानों से लेके बुज़ुर्गों तक की ज़बान पे एक ही नाम है, इमरान खान। वो है कौन? वो सोचता क्या है? उसकी पसंद क्या है? वो किताबें कौन सी पढ़ता है? कल रात को वो किससे मिल रहा था? उसकी इंस्पिरेशन कौन है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस टाइम। पहले तो खान साहब, आई बिलीव यू आर फ्लाइंग आउट सून। आप बच्चों को मिलने जा रहे हैं? जी, मेरे बच्चों की हाफ टर्म है। हमारी अरेंजमेंट है मेरी एक्स वाइफ से कि जो उनकी तीन हाफ टर्म्स होती हैं, तीन बड़ी छुट्टियाँ, तो तीन बड़ी छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारते हैं और एक हाफ टर्म वो मेरे साथ गुजारते हैं, दो मैं उनके साथ गुजारता हूँ। अच्छा, तो अब आपकी बारी है जी जाने की। सो ये किस तरह आप बैलेंस करते हैं? यू थिंक दिस इज इनफ? ये टाइम दिल भर जाता है, बच्चों का दिल भर जाता है अपने बाप से इतनी दो तीन दिन मिलना, चार दिन मिलना? कैसे भर सकता है? बच्चे आपके साथ ना हो, इससे ज्यादा अजाब किस पे आ सकता है? यानी मेरी अगर जिंदगी में कोई खला है, अगर मैं कहता हूँ ना कि कोई वॉइड है, वो मेरे बच्चे ना होने मेरे साथ है। अगर कोई भी मेरी अल्लाह ने मेरी जिंदगी में सब कुछ दिया, किसी चीज की कमी नहीं, कमी है तो वो है कि मेरे बच्चे मेरे साथ सारा वक्त नहीं है। उर्दू बोलते हैं? बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, बदकिस्मती से। इस्लाम की उनको पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग है, नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग है, इस्लामिक हिस्ट्री मैंने उनको पूरी बताई हुई है। यानी उनको उस तरह मुझे, मैं मुतमईन हूँ। माँ का असर बहुत होता है नेचुरली अपब्रिंगिंग के अंदर, so उनके अंदर क्या, I mean are they getting that Jewish influence as well? नहीं, उनकी बात जो जमायमा वो Jewish नहीं है, जमायमा Christian थी। अच्छा। यानी baptized Christian थी। मैं आपको ये बताऊँ, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जमायमा ने वो बच्चों को उसी तरह इस्लाम की तरबियत दी है जो मैं देता हूँ। वो यानी वो स्कूल में जाते हैं, वो मुस्लिम्स हैं, वो पिग मीट, क्योंकि वहाँ उनके लंचेस होते हैं, वो नहीं खाते, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस्लाम से। वो बड़ा क्लियर है इस चीज़। अच्छा। के पर आइडेंटिटी इस्लाम की क्लियर है। दैट्स वंडरफुल। आप जब भी लंदन जाते हैं, आप जमायमा के घर में रहते हैं, योर एक्स वाइफ्स हाउस? नहीं नहीं, जमायमा के घर में नहीं रहता, मैं बच्चों की नानी के घर रहता हूँ। अच्छा। मुख्तलिफ घर है उनके। वो इसलिए हमने फैसला किया था जमायमा ने और मैंने कि बच्चों के लिए डिस्ट्रप्शन ना हो। यानी बच्चों के लिए बहुत, असल तो डिवोर्स से बच्चे अफेक्ट होते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होना था उनके लिए। ये इधर किधर बैठ जाएंगे? तो क्या आप कुर्सियां तो रखी नहीं, इधर ही बैठ जाते हैं? वहाँ कुर्सियां, खैर वहाँ छावनी। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो इशू होता है वो ये कि एकदम ट्रॉमा हो जाता है कि घर से माँ बाप सेपरेट हो जाते हैं, नया घर। तो इसलिए उनकी नानी की तरफ इसलिए ठहरते थे, उनके लिए वो छोटे थे तब, उनको ये ना लगे कि कोई बड़ा माँ से दूर है। तो इस तरह और उनकी नानी बड़े करीब थी उनके, अब बच्चों के बड़ा प्यार करती है ना। अच्छा, तो कुत्तों का शौक है? नहीं, कुत्ते तो यहाँ जरूरत है, इसलिए यहाँ रखवाली के लिए। ये वो है जो मुशर्रफ ने दिया था आपको? नहीं, हम मुशर्रफ नहीं, हमारी गौहर ने दिया था। अच्छा, हमायूं गौहर का, इसका नाम शेरू है जी। अच्छा, मुशर्रफ वाला कहाँ है? ये वही है हमायूं, वो जिसको मुशर्रफ वाला कहते हैं वो हमायूं गौहर वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थॉट बड़ा छोटा सा है, ये तो काफी बड़ा है। हमायूं गौहर के थ्रू आया था? हमारे गौर के पास है ना कुत्ते। अच्छा अच्छा अच्छा। सो फिर शादी करने का सोचा है? अगर आप समझते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है और आप पूरी शादी से इंसाफ नहीं कर सकते, तो बेहतर है शादी ना करें। तो अब मेरे पास टाइम कहाँ है इस वक्त, तो अपने लिए टाइम नहीं है। दैट्स वेल एंड गुड, मगर आपको पता है जिस तरह हमारी सोसाइटी में बीबी के बारे में भी ये कहा जाता था कि उनके लिए किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, उन्होंने अपना किताब में भी खुद ये लिखा, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मेरा एक सिंगल खातून होना पॉलिटिक्स में ज्यादा मुश्किल था। अब मैं इतनी कुर्बानी नहीं देने लगा कि सिर्फ शादी कर लूं पॉलिटिक्स की वजह से। वो मेरा सर का दर्द नहीं लेता, सियासत इज नॉट वर्थ इट। नहीं, मेरा मतलब एक कुर्बानी की भी लिमिट होती है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मेरी तरह के आदमी जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है,
शादी करना बहुत बड़ी कुर्बानी। लेकिन अगर मैं सियासत की वजह से शादी करूँ ये मैं इतना नहीं कर सकता, तो शादी तो करूंगा अगर मैं समझूं कि मैं उससे इंसाफ कर सकता हूँ, और वो मैं समझता हूँ कि भी नहीं कर सकता। और आई थिंक पहली शादी में भी यही इशू था, यू वर आउट ऑल डे और वो घर बैठी होती थी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रायोरिटीज भी चेंज हो रही थी, सो इट वाज हार्ड टू बैलेंस। बहुत उसके लिए बहुत मुश्किल था, और मुझे बड़ा एक वक्त पे आया, मुझे बड़ा इसका एहसास था कि उस बेचारी पे यानी मैं इंसाफ नहीं कर रहा शादी पे, जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। और मुझे खुद नहीं अंदाजा था कि सियासत क्या होती है, मैंने जब शादी की तो मैं सियासत में नहीं था, तो वो इतनी एक मुख्तलिफ किस्म, 9 to 5 तो नहीं है ना, इतनी रिग्रेट्स कैसे हों। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिली है बच्चों से, और वो बच्चों की माँ है, तो रिग्रेट्स तो नहीं है। माना जाता है अभी भी कि आप बहुत शौकीन मिजाज हैं, टू सम एक्सटेंड लोग आल्सो गो एज फार एज सेइंग ही इज अ वुमनाइजर, डज दैट बॉदर यू? लोगों ने ये नहीं कहेंगे तो कुछ और कह देंगे, लोगों के कहने पे तो मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारने लगा ना। जो भी मेरी प्राइवेट जिंदगी है वो मेरी प्राइवेट है लाइफ, उसका कोई किसी का ताल्लुक उससे नहीं होना चाहिए। तो आपने जब अपनी समाजी खिदमत में आप संगे मील बन गए, आपने हॉस्पिटल भी खोला, निमल कॉलेज खोला, आपने ये फिलान्थ्रोपिक काम शुरू किए, सो क्यों नहीं आप बस क्रिकेट के अंदर इतना नाम बना के इतने बड़े हीरो बन के आप क्यों नहीं एजुकेशन के पीछे पड़ गए? बस सियासत का ये क्या नशा है? कोई नशा नहीं है। अगर मुझे कोई, अगर पाकिस्तान मसलन मैं इंग्लैंड में होता, अगर मुझे कोई कहना सियासत करो, मैं अपने सर पे गोली मार देता। क्यों? यानी कि सियासत कोई प्रोफेशन, देखें दो चीज़ें, एक सियासत मिशन जो कायदे आजम ने की थी, कायदे आजम को कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं थी, और एक सियासत है जो कि करियर के लिए यानी पैसा बनाने के लिए या रोजी कमाने के लिए, ये दो किस्म मुख्तलिफ चीज़ें। करियर के लिए सियासत से मेरे लिए जो मेरी सोच है, मेरी तरह का जो आदमी है जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लोगों के पास जाना वोट लेना ये मेरी नेचर के अगेंस्ट है। लेकिन एक है कि मिशन यानी आप पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं, इट्स ओके, पॉलिटिक्स आप इसलिए कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहेगा अगर हम जद्दोजहद ना करें मुल्क बचाने के लिए। वो है सिर्फ पॉलिटिक्स में, यानी आप तब्दीली सिर्फ पॉलिटिकल ला सकते हैं। या मैं जब आया वर्ल्ड कप, तो खैर मैं हॉस्पिटल उस वक्त बन रहा था, वो इतना बड़ा मंसूबा था, उसमें इतना यानी इतना मुश्किल था कि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोचा सिवाय हॉस्पिटल के। जब हॉस्पिटल बन गया तब मैंने सोचा था कि मैं तालीम की तरफ जाऊं, लेकिन जब मैं वो देख भी रहा था, मैंने जब वो स्टडी किया, मैंने सिर्फ मियांवाली का स्टडी किया कि वहाँ 70% स्कूल बंद पड़े थे एक डिस्ट्रिक्ट में, और 50% स्कूल इसलिए टीचर्स नहीं, 20% स्कूल सिर्फ कागज पे थे। तो मैंने सोचा ये इतना बड़ा इशू है, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। अगर आप तालीम के ईदी बन जाते तो अच्छा आपको लगता है कि हुकूमत में आए बगैर ये काम नहीं हो सकता? कोई भी दुनिया के अंदर मिसाल ही नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क की तालीम ठीक की, और वो भी वो जिधर 18 करोड़ लोग हो, ये कोई कर ही नहीं सकता सिवाय गवर्नमेंट के। एक बाहसियत है पाकिस्तानी, मैं इस नतीजे पे आ गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स माफियाज के हाथ में, ये सिर्फ आते हैं पैसा बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए और पैसा बाहर भेजने के लिए, और लोगों को पागल बनाते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था मिशन समझ के, ये कोई मेरा शौक नहीं है, मुझे कुछ दे नहीं सकती, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, ये है अपने मुल्क के लिए। और पॉलिटिक्स मेरी कि एंड क्या है, पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना। इमरान खान कंजर्वेटिव है, लिबरल है? लिबरल्स, ये लिबरल कौन है? कौन है वैसे आप? मैं लिबरल हूँ। आप हैं लिबरल? मैं एक मुसलमान लिबरल हूँ। फर्क करें, एक तो मगरबी लिबरल है ना, जिसका कोई ताल्लुक ही कुछ नहीं है पाकिस्तान में, जो मगरबी चीज है उसको वो लिबरल समझता है। मैं वो लिबरल हूँ जो इलामा इकबाल को लिबरल समझता है, जो कायदे आजम को समझता हूँ। अच्छा, मैं वो लिबरल हूँ। इलामा इकबाल को आप बड़ा फॉलो करते हैं, उनके पोस्टर्स भी हर जगह लगे होते हैं, कि आपको ये मालूम है कि इलामा इकबाल की पहली किताब जो पब्लिश हुई वो मुईशत इकोनॉमी के ऊपर ही थी, इल्मे इक्तसादियात। अब मजे की बात ये है कि उसके अंदर अगर आप पढ़ें तो सब कुछ वही वो तजवीज़ कर रहे हैं मुईशत को चलाने का जो कुरान में लिखा है। जब आप इस्लाम की बात करते हैं, इलामा इकबाल को फॉलो करने की बात करते हैं, तो फिर आप कभी इकोनॉमी में रेवोल्यूशन की बात क्यों नहीं करते? वाई जस्ट के कर्जे में लेना बंद कर दूंगा? कर्जे लेना बंद तो अभी मौजूदा कानून को फॉलो करना है। देखिए मेहर,
Are you going to change the entire economic system? Is that what you view or no? मैं सुनिए देखें, शुरू करें कि इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इंसाफ, माशी इंसाफ, अदालती इंसाफ, तालीमी इंसाफ, ये सब बेसिक थीम इस्लाम की इंसाफ है. और दूसरा इंसानियत, यानी आपके एक ह्यूमेन, एक जिसको हम फलाई रियासत कहते हैं, ठीक है. ये दो चीज़ें, ये बुनियाद है इस्लाम की. अब इससे आ जाए इकॉनमी के ऊपर, जो आप माशी इंसाफ की बात करते हैं, माशी इंसाफ क्या है? माशी इंसाफ का मतलब ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जो कि इंसानों को, गरीब को गरीब ना करें, अमीर को अमीर ना करें, जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स कर रही है, ठीक है. आपका सिस्टम ऐसा हो जिसके अंदर एक आम आदमी को एक माशरा, एक रियासत प्रोटेक्शन दे. यानी आपका टैक्स का निज़ाम ऐसे हो जो कि आज मसलन स्कैंडिनेवियन ममालिक में है कि आप पैसे अमीरों वाले से टैक्स लें और आप आम आदमी के लिए वो सहूलतें दें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी तालीम है, सेहत है. आपके नाकदीन कहते हैं कि खान साहब के अंदर आपको आधा तीतर आधा बटेर मिलता है, यानी कि उनको उनकी एक उनकी पर्सनालिटी का पहलू है जो बहुत अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स इस्लाम, और एक पहलू है विच इज वेरी लिबरल एट द सेम टाइम. और लिबरल से मेरी मुराद ये है कि वैल्यूज एंड आइडियल्स विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजन एंड आर रिलीजन एंड इस्लाम. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. जैसे अभी आपने इंसाफ और इसके ऊपर अपना एक मॉडल तो दे दिया, क्या कॉन्फ्लिक्ट है? मगर मैं वही समझा रही हूँ आपको कि इस्लाम में तो आपको मॉडल दिया हुआ है कि इकोनॉमी पे अभी हम बात कर रहे हैं. सो या तो अगर आपको इस्लामिक रियासत चाहिए तो फिर आप क्या अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक आप इन्विजन करते हैं इकॉनमी को भी चलाना? ये बैंकिंग सिस्टम रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा. मैं इकॉनमिस्ट नहीं हूँ, बिकॉज़ नहीं, सुन पहले मेरी बात समझे. देखें, मैं इकॉनमिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिसी डिसीजन ले सकता हूँ. हमारी पॉलिसी डिसीजन ये है कि एक फ्लाई रियासत हो. फ्लाई रियासत बेसिकली मीन्स कि एक्चुअली जो माशी इंसाफ हो, इन अदर वर्ड्स कि ये ना हो माशरे में जो कि सारा अमीर अमीर को करे, गरीब गरीब को करे. ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है. अब ये कैसे होगा, ये एक्सपर्ट्स का काम है. मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी एक ख्वाब थी कि पाकिस्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल बने, कैंसर हॉस्पिटल, अमीर जिसमें अक्सरियत गरीब लोग हों और अमीर गरीब के अंदर फर्क ना किया जाए. आज शौकत खानम में अमीर और गरीब पे उसी कमरे में होते हैं, फर्क नहीं करते. डॉक्टर्स को नहीं पता चलने देते कि ये पैसे दे के आया मुफ्त. ये इंसाफ मेरा, अब ये होना कैसे था, ये मैं नहीं कर सकता था. इसके ऊपर फिर हमें बड़ी प्रेजेंटेशंस दी, फिर हमें एक्चुअली टीम मिली जो इसी नजरिए से मुत्तफिक थी. ख्वातीन को किस तरह देखते हैं इस सोसाइटी में? अगेन, डू यू थिंक कि औरतों को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, काम करना चाहिए, या जिस तरह इस्लाम कहता है बापर्दा होना चाहिए, घर बैठना चाहिए? मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस्लाम के, वो मैं ये जानता हूँ कि इस्लाम का मतलब सोशली फैमिली सिस्टम प्रोटेक्ट करता है. आपने मेरी औरतों से बात की, फैमिली सिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस्लाम एक ये जो परमिसिव सोसाइटी है, जो वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, अब मैं इसका क्या नाम लूँ कि ये जो 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 फाशी अलाउ कर देते हैं, ये जो अलाउ करते हैं, ये डायरेक्ट इसका इम्प्लीकेशन फैमिली सिस्टम पे जाता है. और फैमिली सिस्टम टूट रहा है मगरब में. मैं जब इंग्लैंड में शुरू में गया था तो 14 में से एक डिवोर्स होती थी, हर 14 शादियों में एक डिवोर्स थी. आज 60% शादियाँ डिवोर्स में होती हैं. इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है फैमिली सिस्टम प्रिजर्व करना. ये कैसे करना है, ये हमारे स्कॉलर्स को सोचना चाहिए. इसका ये नहीं मतलब कि औरत को बंद कर दें. औरत का एक पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन है माशरे के लिए, वो रोल प्ले करती है. उसको मौका मिलना चाहिए अपना पोटेंशियल पूरा करने के लिए, वो भी हो और हमारी जो कल्चर के अंदर जो बेसिक टेनेंट्स है वो भी प्रोटेक्ट हो. ये क्योंकि हम कर नहीं सके. मैं सर कंप्लीट कर लूँ. देखें, क्योंकि हमारी कल्चरल स्टैग्नेशन है. हमारी दो क्लासेस हो गई हैं, एक जिसको मगरब का नहीं पता और एक जो मगरबी क्लास बन गई जिसको अपने कल्चर का नहीं पता. हमारी ये पोलराइजेशन हो गई है. एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि हमारी इश्तिहाद के जरिए मगरब की सही क्रिटिक जो सिर्फ इलामा इकबाल ने की थी, वो करता अपना कल्चर समझ के, एक ओरिजिनल थिंकिंग आती पाकिस्तान में. तो यहाँ आप डिवाइड हो गए कि लिबरल का मतलब जो मगरबी ज़हनियत का वो लिबरल बन गया और जो मुसलमान है वो कंजर्वेटिव बन गया. एंड यू स्पोक अबाउट लिबरल फैशिज्म इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज व्हिच आई वाज वेरी इंटरेस्टेड अबाउट. ये शायद हमारी सोसाइटी में पहली दफा हमें इतना ज्यादा गैप नजर आ रहा है बिटवीन कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स, और शायद टॉलरेंस दोनों साइडों पे नहीं है. कहा जाता था ये टिपिकली कि कंजर्वेटिव्स में टॉलरेंस नहीं है, मगर आज आपको क्या लिबरल तबके के अंदर? मैं इनको लिबरल नहीं समझता. ये जो लिबरल फैशिस्ट जिन्हें कहते हैं, ये लिबरल्स नहीं है. देखें, कोई दुनिया में लिबरल ड्रोन अटैक्स,
अपनी फौज गांव के ऊपर बमबारी कर रही हो और वहां औरतें बच्चे मर रहे हैं और कोलैटरल डैमेज, उसे कोलैटरल डैमेज क्या है? कोई ड्रोन अटैक्स की हिमायत नहीं कर सकता दुनिया में कोई भी लिबरल। हमारे पाकिस्तान में वो लोग जो अपने आप को लिबरल कहते हैं वो हिमायत कर रहे थे ये वॉर ऑन टेरर की, वो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर की, वो ये जो सारी कबाइली इलाके में बमबारी हुई है। सियासी बातों में चले गए। नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये लिबरल नहीं हो सकते, कहते अपने आप को लिबरल है, कहीं भी दुनिया के लिबरल प्रो वॉर नहीं हुआ। एंटी वियतनाम के अगेंस्ट जो सारी हुई थी वो लिबरल्स ने की। आज सारा मगरब का जो लिबरल है वो सारा एंटी वॉर ऑन टेरर है। अब हम जुडिशरी पे अगर आ जाए, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इंसाफ का आपका कॉन्सेप्ट एज वेल, बिकॉज आप बड़े प्रो जुडिशरी हैं, मगर अगेन इस्लाम के अंदर भी आपका स्पीडी जस्टिस का बात किया, काजी सिस्टम्स की बात की है, और इश्तनात की आपने बात की, तो कुरान सुन्ना इश्तनात के मुताबिक इंसाफ करने की बात भी की है। सो आप करंट इस सिस्टम से भी मुतमईन हैं या व्हेन यू कम इनटू पावर इसको भी आप इवॉल्व होते हैं एक और रूप लेते हुए देखते हैं? आपका जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है पाकिस्तान, 80% पाकिस्तानी सिस्टम से बाहर है। जिनको वर्ड है एक्सेस टू जस्टिस, उनके पास इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से जेल भरे हुए गरीब लोगों से। इसलिए एक तो हम अपने मंशूर में लेके आ रहे हैं कि नीचे तक हम जस्टिस कैसे इंसाफ कैसे लेके जाएंगे, वो तो हम मंशूर में है कि गांव के लेवल पे हम लोगों के अक्सर केसेस जो जमीन के होते हैं, 60% केसेस जो हैं वो जमीन के केसेस होते हैं, वो गांव के लेवल पे हल किया जाए। आपका लोकल बॉडीज का जो पूरा नया लोकल बॉडी मॉडल है, जो ये पटवारी का जो सिस्टम है, ये सारी इसको कंप्यूटराइज किया जाए। देखो ना, दुनिया में कोई पटवारी तो नहीं है। ये आपका जो पूरा नया सिस्टम है ना, इसके ऊपर भी मेरे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, मगर अगेन बैक टू, बिकॉज़ हम लोगों ने वादा किया है कि आज इनसाइट इनटू योर पर्सनालिटी है। मैं कह रहा था कि उनको आपने कहा ना कि इस्लामी, इस्लाम का जो सिस्टम है वो पहले तो आप आम आदमी को इंसाफ के दायरे में लेके आए, ठीक है? उसके लिए जो मौजूदा पाकिस्तान का निजाम है ये नहीं ला सकता, इसके लिए बड़ी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी गांव के लेवल पे। इसी जो एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर ही रिफॉर्म्स करेंगे, इसके अंदर हो जाएगा, आप नीचे तक पहुंचा दें। लेकिन फिर भी जो हमारा जस्टिस सिस्टम है इसको हमें चेंज, इसमें भी रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, उसका भी हम एक इंशाल्लाह मंशूर लेके आ रहे हैं। ओके ओके, सो ओके, आई अंडरस्टैंड दैट, दैट मींस कि एक्सट्रीम आपको जो तालिबान खान कहा जाता है, आप एक्सट्रीम राइट के ऊपर भी नहीं आपकी टेंडेंसी कि पूरे सिस्टम्स इवॉल्व कर दो ऑल टुगेदर सिरे से कि जिस तरह इस्लाम कहता है। मुझे एक बात बताइए, मैं एक आपको करेक्ट कर दूं। देखिए, तालिबान की कामयाबी अफगानिस्तान में सिर्फ एक वजह से हुई थी, क्योंकि हिकमत यार, गुलबदीन हिकमत यार, उनको कोई वो कोई लिबरल तो नहीं थे, वो मुजाहिदीन थे, जहाद करने वाले, वो उनको रिलीजियस फनेटिक कहते थे। असल में कामयाबी उनकी ये हुई कि उन्होंने लोगों को इंसाफ दिया, आम आदमी को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ वॉर लॉर्ड्स लड़ रहे थे, असल में लोग इसलिए उनके साथ जुड़े। लोग पाकिस्तान की अवाम इंसाफ चाहती है, स्पीडी जस्टिस, यू आर राइट, इंसाफ चाहती है, मुफ्त मुफ्त और घर पे, जो कि हम इंशाल्लाह उनके लिए इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए खान साहब, आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, खत्म होने वाली है, एक है बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। अच्छा। उसने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसने क्या किया कि उसने एक प्रोविंस को, एक सूबे को जो सबसे नीचे था उसने उठा के सबसे ऊपर कर दिया हिंदुस्तान में, सिर्फ एक आदमी ने। तो उसको मैं पढ़ रहा था कि उसने क्या क्या किया, और मैं आपको ये बता दूं कि एग्जैक्टली जो मैं सोचता हूं रिफॉर्म्स का, बिल्कुल उसने वो किया। अच्छा। anyway, तो वो मैंने पढ़ा है। That's reassuring, मगर मुझे बता, ये तो on a serious side होगी reading. Light reading के लिए क्या पसंद? Light reading के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अच्छा। मेरी सिर्फ सीरियस रीडिंग होती है, यानी मैं कोई नॉवल नहीं पढ़ सकता, बड़ी देर, नॉवल्स का तो स्टेज बड़ी देर से निकल गया था। सिर्फ मैं पढ़ता हूँ फैक्चुअल किताबें, जिनके अंदर जिसमें भी वो चेंज होता रहता है। ली कुआन यू पे पढ़ ली, महातर पे पढ़ ली, इस तरह के लोग, वो पहले मैं यानी 13 साल में कोई और किताब पढ़ता था, फिर 20 पे कुछ पढ़ता था। तो इंटरेस्ट आपके चेंज होते रहे, तो अब ज्यादा मैं बायोग्राफीज पढ़ता हूँ उन लोगों की जिनको मैं समझता हूँ जिन्होंने कोई अचीव किया। महातर तो हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग आइडल ऑफ योर्स आई थिंक। मूवी, यू डोंट हैव टाइम, डू यू हैव टाइम टू सी मूवीज? सिर्फ जब मेरे बच्चे आते हैं, फिर हम इकट्ठे बैठ के शामों को फिल्में देखते हैं। वो तो अंग्रेजी मूवियां देखते होंगे। नहीं, हमने एक वो बड़ी अच्छी वो आमिर खान की फिल्म थी लगान, बहुत देर हो गई लगान लास्ट देखी थी। नहीं नहीं, बच्चों के हवाले से, बच्चों के साथ क्रिकेट के हवाले से। लेकिन बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ ना कि अपनी वो अपना ये पता चले अपने कल्चर का, विलेज कल्चर का। नहीं 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 नहीं, वो
पता नहीं कितनी, हम तो रात को दो दो फिल्म देखते हैं जब छुट्टियों पे वो आते हैं। अच्छा, अदरवाइज यू डोंट हैव टाइम। जब बच्चे नहीं होते फिर नहीं मैं देखता, फिल्म के लिए कहाँ टाइम होता। और गाने कैसे पसंद है? बड़ा मेरा वेरी टेस्ट है, क्योंकि मैं जब शुरू में हमें इंडियन सॉन्ग्स हमें पसंद थे, मैं जब छोटा था, मैं 60s, लेट 60s की बात, फिर मैं इंग्लैंड गया तो उस वक्त प्रॉब्ली बेस्ट म्यूजिक थी पॉप वर्ल्ड की, वो जो सोल और मिक्स था, लेट 60s मिक जैगर वगैरह ये सोल सिंगर्स थे, और यू नो बीटल्स का भी एरा ख़त्म हुई थी। वो बेस्ट टाइम था लेट 60s अर्ली 70s। और उसके बाद फिर चेंज होती रहती, यानी कोई सेट नहीं था। नुसरत फतेह अली एक टाइम था, अभी राहत फतेह अली बहुत जबरदस्त है, स्ट्रिंग्स मुझे पसंद है। राहत के साथ म्यूजिक ही नहीं करते एक दफा। अच्छा, वो एक वन वन से की थी। हां, एक ही दफा यहां। अच्छा, सो नहीं, एक एक गाना अगर ऑल टाइम फेवरेट अगर मैं आपसे पूछूं, कि क्योंकि मैं बदलता रहता हूँ इसलिए मेरे फेवरेट्स भी बदलते रहते हैं। क्या पता नहीं, इतनी इस उम्र में ये मुसीबत पड़ जाती है ना, आप मुझे कहें कि एक गाना, वो इस उम्र में क्या आपको बताऊं जब आदमी 60 साल का होने वाला होता है। माशाल्लाह। एंड हाउ डज इट फील टू बी 60? अगर मुझे कोई कहे, उम्र बिता दी है, अभी अभी तो जीना है। अगर मुझे कोई कहे कि आपकी जिंदगी किसी कोई और आपको फेस पसंद है जिंदगी का या जाना चाहते हैं, तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, यानी कि ये फेस मेरे लिए। You love being here at this point in time, being 60 years old in Pakistan, doing what you're doing. More than any other time. Oh wow. Huh? That means ये तो this is what you call aging gracefully. It नहीं, actually पता है, मैं आपको, जिस वक्त आपके जिंदगी के अंदर चैलेंज खत्म हो गया, आपकी जिंदगी नीचे चली गई। जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, वो कहते हैं ना सितारों के आगे जहान और भी हैं। मसलन मेरा एक वक्त था कि मैं बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में बनना चाहता था, बन गया। फिर मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनना चाहता था, वो एक पॉइंट था, बन गया। फिर पाकिस्तान को नंबर टीम बनाना चाहता था, नंबर वन टीम, वो बन गई, वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर शौकत आनम, वो एक और हो गया। फिर ये पॉलिटिक्स तो एक बड़ी लंबी स्ट्रगल। यूनिवर्सिटी, ये मेरा बहुत, मेरी असल, अगर आप कहते हैं ना कि मेरा पैशन क्या है, वो यूनिवर्सिटी है। यानी जो मेरी मिशन पॉलिटिक्स है, लेकिन जो मेरा अंदर से जुनून है ना, मैं ये चाहता हूँ कि नमल को एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाऊं। Do you see yourself as a prime minister of Pakistan? मैं आपको इसको रिफ्रेज करता हूँ, or the head of state? कि कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा पॉलिटिक्स में। ये कभी भी मेरे ज़हन में नहीं आया। मैं हमेशा सोचा था मैं कामयाब हो जाऊंगा। वो और वो इसी तरह कामयाबी की तारीफ क्या है, से मुराद क्या है कामयाबी की? वो इसी तरह था कि शायद कामयाबी किसी के लिए बड़े बड़े जलसे हो जो आपने कर दिए। नहीं, वो इसी तरह था जब मैं क्रिकेट ग्राउंड पे कदम रखता था ना, तो मैं हमेशा समझता था मैं मैच जीत जाऊंगा। वो और बात है कि बड़ा फेंटा पड़ता था कई दफा, लेकिन समझता था मैं जीत जाऊंगा। तो पॉलिटिक्स में जब मैं आया था, मैंने समझा था मैं जीत, और मैं, और मेरी जीत ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ स्वीप करेगी इलेक्शंस। What's Imran Khan's one guilty pleasure? And pretend the cameras are not rolling, be honest. मेरे अगर guilty pleasure है, वो आपका ख्याल है कि मैं कैमरे के सामने बताऊंगा। I was hoping. फिर भी क्या guilty, जो अच्छा kosher guilty pleasure जो आप बता सके कैमरे के सामने? असल में मैं, आप अगर कहना, अगर मेरा बड़ा मुश्किल दिन गुजरा हो, तो यहाँ घर पे आके अकेले, ये मेरा, यानी छोटी चीजें प्लेजर देती हैं, ये मेरा बहुत बड़ा प्लेजर है। और मेरा एक्चुअली बड़ा जो मुझे शौक है, वो है ट्रैकिंग का। किसका? ट्रैकिंग का, माउंटेन क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग एंड ऑल। ट्रैकिंग मींस के वो, और हमारा नॉर्दर्न एरिया जो है, सबसे दुनिया की बेहतरीन ट्रैकिंग है वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सो यूर, आपको आउटडोर एक्टिविटीज में अभी भी बड़ा मजा आता है, कैंपिंग एंड ऑल? एंड उसके लिए टाइम मिलता नहीं है, मैं गया नहीं हूँ काफी देर से। अच्छा, डू यू लाइक बीइंग अलोन? आई वुड आई से, वुड आई कॉल यू जब आपके पास वक्त होता है कि
आप सोशल हैं या आर यू एन इंट्रोवर्ट? मैं क्या कहूँ इसका, इंट्रोवर्ट तो खैर मैं शुरू से ही था, शाय भी था. कभी मैं कुछ मुझे कुछ शुरू में कहता कि जलसों के सामने तकरीर करनी है तो मैं खौफ से मर जाता, क्योंकि मैं जब शुरू में कैप्टन बना था मैं टीम के 11 लड़कों के सामने नहीं तकरीर कर सकता था, इतना मुझे. तो आई गेस आपके मकसद आपको बदलते जाते हैं. तो शाये हूँ, अकेलापन मुझे बड़ा अनवाइंड करता हूँ अकेले. जिंदगी में कभी क्राइसिस हो, जितना बड़ा क्राइसिस हो उतना ही अकेला हो जाता हूँ, लोगों के साथ नहीं शेयर करता, अकेला क्राइसिस से डील करता हूँ. अच्छा, सो यू थिंक वक्त के साथ साथ तब्दीली बहुत आई है. ग्रूम किसने किया है आपको? किसी एक्सपीरियंस ने ग्रूम किया है, मार खा के सीखा हूँ. कौन सी मार खाई है आपने? हर चीज के ऊपर हाथ रखते हैं, खुद कह रहे हैं सोना बन जाता है. ये 15-16 साल सबसे मुश्किल पॉलिटिक्स की है. लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे लोग. शर्म आती थी? नहीं. घर वाले कहते थे किधर लग गए इमरान, छोड़ दो. जब तक मैं यहाँ पहुंचा था तब तक मैं पहले काफी एक बड़े जिंदगी के स्ट्रगल से निकल चुका था, तो मेरे लिए ये स्ट्रगल करना फिर मुश्किल नहीं था. वो कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, वो स्टेज आ चुकी थी. तो लोग हंसते थे, लेकिन मेरे पर मैं जब शुरू में क्रिकेट खेली तब लोग हंसते थे. टीम से निकाला गया, मजाक उड़ाता था, फिर उसी तरह हॉस्पिटल बनाने लगा तब लोग मजाक उड़ाते थे. तो लोग इस तरह आपको जब मैं शुरू में कह रहा था कि लोग क्या कहते हैं उससे आजाद हो चुका था. लोग कहते हैं ये आपकी नाइविटी है, आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ये आपका बचपना है. लोग कहेंगे ये तो वक्त साबित करेगा, अभी तो हारा नहीं ना, अभी तो यानी कि मैच नहीं खत्म हुआ. तो वो तो जब खत्म होगा लोग रियलाइज करेंगे कि मैं ठीक था या नहीं था. लास्ट टाइम कौन रहनुमाई करता है? लास्ट टाइम 2.5 लाख लोग निकले थे किसी जलसे में, जो लाहौर में निकले थे, 2.5 लाख कराची में. अभी पिंडी में जलसा हुआ है, तारीख में कभी इतने लोग अंदर ही नहीं घुस सके, हजारों लोग चले गए. तो इतने बड़े, सुन ले, इतने बड़े जब लोग निकले थे तो तब तब्दीली आ गई थी. जुल्फिकार अली भुट्टो इंकलाब ले आया था, अननोन लोगों ने बड़े बड़े पॉलिटिकल हाउसेस को गिरा दिया था, इंकलाब तो आ गया था. मैं समझता हूँ उससे बड़ा इंकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, इंकलाब आ गया. आप ये इलेक्शन में देखेंगे, मेरी भी बात मान लें, इंशाल्लाह आप मुझे इंटरव्यू करेंगी बाद में. पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा चेंज नहीं आया, आएगा जो इस इलेक्शन में आएगा. और इसलिए लोग फैसला कर बैठे हैं. आपको अगर आपको मुझे नजर आ रहा है, मैं प्रिडिक्ट किया था, मैंने कहा था कि ये रिकॉर्ड क्राउड आएगा, क्योंकि मैं तो देख रहा था लोग चेंज हो गए हैं. और इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन में बहुत ये सारा स्टेटस को, यानी पुराने पॉलिटिकल हाउसेस स्टेटस को सब उड़ जाएंगे. स्टेटस को के अंदर तो जनाब आपकी एस्टैब्लिशमेंट भी आती है, जो असल करता धरता पावर का रहा है, वो चैलेंज करते हुए. और मैं आपको आईएसआई का ताना नहीं दे रही, हमारे भी कान पक गए हैं सवाल सुन सुन के. सो आई डोंट वांट यू टू आंसर कि नहीं आईएसआई से. लेकिन हमेशा ये पूछें कि पहले एक ने एक बड़े अपने आप को बड़ा एक्सपीरियंस सियासतदान समझता, उसने कहा जनरल पाशा अब गया तो सुनामी खत्म हो जाएगी. बलोचिस्तान क्वेटा में रिकॉर्ड जलसा हुआ, पिंडी में रिकॉर्ड जलसा हुआ. उसके ऊपर आपको पता है आप पे तंकीद क्या हो रही है बलूचिस्तान पे, कि आप ये तो कह रहे हैं कि सियासतदान मामलात हाथ में ले, ये कहने से क्यों डर रहे हैं कि अभी किसके हाथ में मामलात हैं, वो तो छोड़े पहले. मैंने ओपनली कहा कि एफसी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैंने वहां कहा कि फौज के हाथ में हालात हैं, लेकिन ये जिम्मेदार कौन है? ये है आप जी बोलिए. अगर मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हैं, महलों में बैठे हुए हैं, हर जगह जमहूरियत सबसे इज द बेस्ट रिवेंज, तो फिर क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? इनकी जिम्मेदारी है बलूचिस्तान. आपको लगता है कि फौज को अब बैक डाउन कर देना चाहिए बलूचिस्तान से? फौज क्यों है वहाँ? क्योंकि एक पूरा खला है, खला है पूरी, क्योंकि पॉलिटिशियन इनको तो शहरों से नहीं टाइम मिल रहा. तो आप आ जाएंगे तो सारे भाग जाएंगे पीछे, वो इंकलाब पूरा हो जाएगा. अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, ये मैं कभी आपके सामने एक्सक्यूज नहीं करूंगा जी मैं बेबस हूं देखें जी फौज कुछ करने दे रही. ये तो कोई बहाना नहीं है. अगर फौज नहीं करने जा रही, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, इसका मतलब मैं डिजर्व ही नहीं करता प्राइम मिनिस्टर बने. अगर मेरा कोई रास्ता रोकेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आवाम के पास वापस जाऊंगा. मैं फिर से कहता हूँ, तुर्की के अंदर फौज ने वही कंट्रोल था जो पाकिस्तान में था. मगर तुर्की एक प्राइम मिनिस्टर, हाँ, एक वजीर आजम, एक प्राइम मिनिस्टर, पूरा सिस्टम और कैसे बदला डायनामिक्स बदले. जब उसका रास्ता रोका, वो आवाम के पास किया.
ये कैसे हैं कि दोनों पहले एक वक्त पे नवाज शरीफ को खौफ हुआ, वो शहबाज शरीफ भागा गया, जो ब्रूस राइडल अपनी किताब में लिखता है कि हमारे हमें वॉशिंगटन में आके कहता हमारी मदद करो फौज से, फिर उधर से ये हुसैन अकानी मेमो गेट्स कि ये कह रहे फौज से पाक होना चाहिए कि इससे पहले आप इखलाकी तौर पे मजबूत हो के आप खड़े हो सकें। अगर आप सियासत में आए हैं नजरिए के लिए, आप उस नजरिए के लिए स्टैंड लेंगे। अगर आप सियासत में आए, अगर आप सियासत में अपने जाति मफादात के लिए आए हैं, आप सबसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जाति सवाल है, तल्ख सवाल है, और आपका बिल्कुल हक बनता है कि आप इसका जवाब ना दीजिए, मगर मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, इखलाकियात की बात आप करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल से कि आपको नहीं करनी चाहिए, यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग गिवन सीता वाइट, गिवन दोस किस चीज के ऊपर, given the fact that log kehte hain you have an illegitimate child, you have a baby daughter, given the fact that you married a Jewish girl, they say that you live Jewish a certain kind of chaliye, you live a certain kind of a lifestyle, ye log kehte hain ki phir khan kis tarah baat kar sakta hai akhlaqiyat ki, islam ki baatein kis tarah karta hai? Dekho, islam ek cheez kehta hai, apne aur dusron ke gunahon pe parda dalo. Ye kyun kehta hai? मैं आज अपना अनाउंस कर सकता हूँ मेरी जितनी जिंदगी कमजोरी है, इससे क्या फायदा होगा, माशरे को मैं तबाह करूंगा, इसलिए हमारा दीन कहता है पर्दा डालो। ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये आप अगर मेरी कोई कमजोरी है, जरूरी नहीं कि मैं सारे, अगर बच्चे नौजवान मुझे फॉलो करें मैं सबको कहूँ आप भी ये करें, एब्सोल्युटली मैं अपनी कमजोरियां दूर करूं, मैं नमाज में 5 वक्त यही पढ़ता हूँ ना, अल्लाह सीधे रास्ते पर लगा, इसका मतलब कि मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, अल्लाह ने बनाया, और इंसान कोशिश करता है, अपने नफ्स से सारा वक्त लड़ता है, अपने आप को बेहतर करता है, कॉन्स्टेंट रेफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर है नमाज, एक बुजुर्ग भी पढ़ता है, एक ईमानदार शरीफ आदमी भी नमाज पढ़ता है, एक लुटेरा भी पढ़ता है, एक बच्चा भी पढ़ता है, सारा वक्त कॉन्स्टेंटली अल्लाह सीधे रास्ते पर लगा, इसका मतलब कि हमारी जो कमजोरियां हैं हमको अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताकत दे, लेकिन हमारी जाती कमजोरियों की वजह से पाकिस्तान तबाह नहीं हो रहा, ये जो हम मुल्क को जो लोग पैसे जो लूट रहे हैं इस मुल्क को, जो जाति मफादात के लिए मुल्क को बेच रहे हैं, जो मीर जाफर और मीर सादिक हैं, वो तबाह कर रहे हैं इस मुल्क को। इसलिए जब आप एक्सपोज करते हैं, मैंने कभी किसी की जाति जिंदगी के ऊपर नहीं बात की, हालांकि मैं इनके मुकाबले में फरिश्ता हूं। मुझे ये ना कहिएगा कि होगा होगा होगा, रियलिस्टिकली और हाइपोथेटिकली यू डोंट विन, आप अक्सरियत नहीं लेते एट ऑल, आपने बताया हुआ है कि मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, ठीक है, गिव अप कर जाएंगे, दिल टूटेगा, बड़े नारे लगाए, बड़ी उम्मीदें लगाई, बड़ा कहा लोग जाग गए, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिल टूटेगा? देखो लोग जिंदगी को कैसे देखते हैं, एक होता है वो जो और जो मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है कि मैं हमेशा समझता हूँ कि मैं जीतूंगा, अगर नहीं जीतूंगा तो जो भी होगा मैं उसका मुकाबला कर लूंगा, हार का मुकाबला कर लूंगा, एक जिंदगी से हार के खौफ पे जिंदगी गुजारते हैं, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, ये दो डिफरेंट सोचें हैं जिंदगी की, ये एटीट्यूड्स डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक कामयाब इंसान है एक फेल्ड इंसान है, जो हार से डरता है उसने कभी आज तक बड़ा काम नहीं किया, जो ना डर होता है वही बड़े काम करता है, और कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, मेरे में खौफ ही नहीं है, अगर मैं जान मारूंगा पूरी कोशिश करूंगा, इलेक्शन अगर हार गया फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तो मैंने कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, यानी कि मैंने कोई फैक्ट्रियां बनानी हो, माल बनाना कुछ हो, तो वो तो ये दिन के मुझे कुछ है ही नहीं जात में। ये बाय द वे पूरा किस तरह होता है, व्हाट्स योर सोर्स ऑफ इनकम, ये घर, माइंड यू आई वुड लाइक टू ऑल्सो से ऑन रिकॉर्ड ऑन द कैमरा, ये है देखने में बड़ा खूबसूरत बड़ा है मगर इसके अंदर कुछ नहीं है, इससे ज्यादा सिंपल घर मैंने नहीं देखा, अब आई डोंट नो शायद आपने पीछे तिजोरियों में कुछ छुपाया हो कि नहीं, हमारी रसाई उधर तक नहीं है, मगर दैट बीइंग सेड, ये फिर भी उठना बैठना ये अपने सारे अखराजात तो किस तरह पूरे होते मैं, हैं? आप सोचें कि मैंने एक दफा मुझे क्राइसिस आ गया 99 में, मेरे पास पैसे, क्योंकि मैं तो सारा वक्त गया तब हॉस्पिटल के लिए पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहा था, तो जब पैसा खत्म हुआ वर्ल्ड कप आ गया, मैंने वर्ल्ड कप में 6 हफ्ते में 90 लाख रुपया बनाया, 6 हफ्ते में वर्ल्ड कप, वो 99 की बात कर रहा हूँ, वो मुझे काफी देर ले गया, फिर 2003 का वर्ल्ड कप आ गया, फिर आपने एड्स भी किए बीच में, अब नहीं जब, कर रहे। जब पैसे खत्म होते हैं, जब मेरे पैसे खत्म होते हैं, अब फिर वर्ल्ड कप आ गया था पिछले साल हिंदुस्तान में, तो कुछ 3-4 करोड़ रुपया 10 दिनों में बना लिया, तो यानी कि वैसे भी स्पीकिंग एजेंट, अगर मैं सिर्फ पैसे उतने सोचता हूँ कि मेरा ये साल का इतना खर्चा है, एक और कुरान की आयत है, उतना पैसा रखो जितनी जरूरत है बाकी दे दो।
कबूतर आपने खुद रखे हुए हैं या इधर खुद आ जाते हैं? ये खुद ही आ जाते हैं, और पहले एक था उसके साथ दूसरी भी, वो उसके साथ आ गई है, तो वो भी उसको ले आया साथ। तो कौन कहता है कि आप वक्त नहीं निकालते घर के लिए? जो अगर आप ये भी नोट करते हैं कि कबूतर है, कबूतरी को भी ले आया है। मुझे यहाँ पता है कितने जानवर हैं, तीतर कितने हैं, यहाँ कौन से जानवर मसलन, एक एक चीज का मुझे पता है। क्योंकि जब मैं, जो आपने कहा ना, रिलैक्स करता हूँ यहाँ घर में आके करता हूँ, सारा वक्त तो पब्लिक लाइफ होती है यहाँ के, फिर मैं टोटली अकेला। Who's your confidant? मेरे हैं पुराने 40 साल पुराने कोई चार दोस्त हैं। एक अंग्रेज है, वो मेरा इंग्लैंड में बड़ा 30 साल पुराना दोस्त। छह दोस्त मैं कहूंगा जो मेरे कॉन्फिडेंट्स हैं। Have you been let down by anybody? नहीं। तो हमेशा लोगों की रीडिंग भी आपने दुरुस्ती की है? नहीं, ये नहीं बात, ये है कि मैं लोगों से कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, यानी आपका भी दोस्ती को आजमाए ना, मैं कभी आजमाता नहीं दोस्ती, यानी अगर मैं आजमाइश में, मैं अकेला डील करता हूँ, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि अपने किसी दोस्त को आजमाऊं ताकि मैं लेट डाउन हूँ। नहीं, मगर ये तो कहा जाता है कि आपको गुस्सा बड़ी जल्दी चढ़ जाता है, आप कहते हैं आप आजमाते नहीं है, मगर एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं। नहीं, इसका तो ताल्लुक नहीं है, देखिए गुस्सा और चीज़ है, यानी आपके ऊपर जब बुरा वक्त आता है, मैं कभी भी अपने बुरे वक्त पे किसी के पास नहीं जाता मदद के लिए, खुद डील करता हूँ। क्योंकि अगर आप तब आप में लेट डाउन होंगे ना, कि आप जब किसी को आजमाएं, मैं कभी किसी दोस्ती को नहीं आजमाता। ओके, मगर अब शायद वक्त ये आ गया है कि इमरान खान को आजमाया जाए कि ना आजमाया जाए, ये कौम का फैसला है। ये आज एक इंसाइट थी इनटू दैट लीडर व्हिच माइट बी योर अप एंड कमिंग प्राइम मिनिस्टर इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, मगर ये भी वक्त ही बताएगा, हम मुंतजर रहेंगे। आई होप यू गॉट अ बेटर इंसाइट एंड वी नो खान साहब अ लिटिल बिट बेटर देन वी स्टार्टेड ऑफ 40 मिनट्स अगो। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।